और उस साइड मैं शूट करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जाती हूँ। जैसे कि बांग्लादेश बॉर्डर फिर इंडिया बॉर्डर वैसा ही है, पाकिस्तान को है, तो मैं भाग रही हूँ करके जाते हैं। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अपने चैनल को बंद कर देती हूँ, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्ण, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आप देख ही सकते हो मैं पूरा भीग चुकी हूँ। इस गर्मी ने पूरा बेहाल करके रखा है और ऊपर का रूम तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, जिस वजह से मैं इस रूम में ज़्यादा रहती नहीं हूँ, बहुत ही कम रहती हूँ। पूरे दिन मैं मम्मा के वहाँ ही रहती हूँ। जब मुझे एडिटिंग करना है, वॉइस ओवर करना है, तब जाकर मैं आती हूँ। आरव को 2 बजे के करीब सुलाकर मैं ऊपर आती हूँ। जिस दिन आरव सोया ना उसी दिन मैं आती हूँ, नहीं तो आना पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, जिस वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कुछ भी काम करो ना तो पसीने से मैं लथपथ होकर निकलती हूँ, क्योंकि मैं नीचे हैंडपम्प में काम वगैरह करती हूँ। आपको मैंने बताया है ऊपर मेरा कुछ काम नहीं होता है। सोचो, सिलाई करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैंने जैसे तैसे टाइम निकाला और आज मुझे सिलाई करना ही था, इसलिए मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आई और यहाँ मैं अपने कुशन कवर्स को सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ कुछ दिनों से हमारे ऑनर के घर पे काम चल रहा है, जहाँ साइड पे जो बिल्डिंग है वहाँ काम चल रहा है, जिस वजह से वॉइस ओवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ और साइड पे काम चल रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो आप वॉइस ओवर कर ही नहीं पाओगे। ब्लॉग के ऑडियो पे ज़्यादा डिस्टरबेंस आने से भी ना लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और अभी जो मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, फ़ैन ऑफ करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऊपर से इतना गर्मी, पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं बस उन सब्सक्राइबर्स के लिए ब्लॉग अपलोड करती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आई नो कि मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बीच बीच में ही सही कुछ दिनों के बाद जाकर मैं ब्लॉग अपलोड तो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है। बोलना बहुत आसान है कि दीदी ब्लॉग अपलोड करो, रेगुलर बेसिस पे अपलोड करो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, आ जाता है। मैंने सोचा कि क्वार्टर से यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा कि मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर पाऊँगी, एडिटिंग कर पाऊँगी, वॉइस ओवर कर पाऊँगी आराम से, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आवाज़ मेरे रूम तक आते हैं, तो मैं कैसे शांति से बैठकर अपने ब्लॉग का एडिटिंग करूँ या फिर वॉइस ओवर करूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, तो यहाँ हम कोई मेड तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी ब्लॉग्स वगैरह करने में। किसी किसी का मेंटेलिटी सही नहीं होता है। कभी कभार तो मम्मा भी मुझ पर भड़कती है कि तू अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही है ब्लॉग की वजह से, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ ना, तो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मेरे लिए वेट कर रहे थे आप, मेरा वेट कर रहे थे। अभी मैं ग्लूकोस पी रही हूँ ना, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है अभी। गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने सोया चंक्स को भिगो लिया है, इसका ही मैं आज कड़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ मैं आरव के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, तो जिसमें मैंने आरव की खिचड़ी के लिए मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर जो पपीता है, पपीता और गाजर और आलू मैं ऐड करूँगी आरव की खिचड़ी में, और यहाँ पर सोया चंक्स भी थोड़ा ऐड कर दूँगी। तो कुकर गर्म हो चुका है शायद से, मैं घी ऐड कर देती हूँ। कढ़ाई अगर क्लीन होने से ना खाना बनाने का भी मन करता है, तो अभी मैं यहाँ सोया चंक्स जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी।
आलू मसाले ऐड कर लिए हैं और कैमरा ही मैंने गरम मसाला आलू ऐड कर दिया है। सिंपल ही सोयाबीन के बाद अभी पानी ऐड करूँगी, फिर सोयाबीन ऐड करूँगी। बस यही है सिंपल सा मेरा सोया चंक्स का रेसिपी, सॉरी कड़ी। अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े सुखाने। यहाँ का जो छत है गर्मी के वजह से पूरा हीट हो जाता है, पैर पूरा जलने लगता है, तो कपड़े सुखाने में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। छत के ऊपर हमारी जो ऑनर है वो सैंडल ले जाना अलाउ नहीं करती है। एवरीडे उन लोग छत को क्लीन करके रखते हैं तो सैंडल ले जाना अलाउ नहीं है। तो गाइस देखिए, क्वार्टर लाइफ एक अलग सा लाइफ था जहाँ मैंने इंजॉय किया, अपने घर को भी संभाला, बच्चे को भी संभाला और मुझे फ्री टाइम भी मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं डेली बेसिस पे भी अपना ब्लॉग अपलोड कर पाती थी। यहाँ मेरे लिए क्या है कि मेरी मम्मा को भी मुझे संभालना है, दो घर को मैं मैनेज कर रही हूँ और आरब भी बड़ा हो रहा है, जिस वजह से मुझे उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक साइड है मतलब छत, और वो दूसरी साइड एक छत है जहाँ साइड पर जो बिल्डिंग बन रहा है उसके ऊपर का ये छत है और ये दूसरे साइड का छत है। तो इससे क्रॉस करके भी जा सकती हूँ मैं, लेकिन क्या है कि डर लगता है कहीं जाने के बाद पैर कट ना जाए, तो यही चीज़ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, इससे जा सकते हो। ये भी एक रेंट का रूम है जो कि अभी कोई आया नहीं है। तो ये जो रेंट का जो रूम है, धूप पड़ने के बाद जो ये रूम है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिस वजह से कोई ऊपर रेंट के लिए आते नहीं है। क्योंकि ये जो रूम सुंदर तो है, ये रूम ना बहुत अच्छा है दिखने में, लेकिन क्या है कि यहाँ अगर आप देख सकते हो, सीधा जो छत है छत के सामने ही ये बनाया गया है ये एक रूम। मेरा रूम तक इतना हीट होता है तो ये रूम कितना हीट होगा आप सोच ही सकते हो। तो मेरा जो रूम है, ये जो ये छत है इसके नीचे ही मेरा रूम है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा हीट हो गया। आप देख सकते हो मैं पैर भी नहीं रख पा रही हूँ। अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो रूम है इसे कोई भी अभी लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो रूम है पूरा हीट हो जाता है जब धूप पड़ता है। और इसका जो पीछे का आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मतलब, और उस साइड मैं शूट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जाती हूँ, गली देखो ना कितना छोटा है। इस साइड मैंने कितने जो शूट किए हैं, जो रील शूट है इस साइड मैंने बहुत सारे रील शूट किए हैं और उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ लाइक्स भी आए हैं। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पर शूट करने से क्या है कि क्लियर भी होता है। और आप यहाँ का पीछे का व्यू आप देख सकते हो, इसके दूसरे साइड है ये ONGC, आप देख सकते हो। तो यहाँ का पीछे का व्यू भी इतना मतलब सुंदर है, तो यहीं पे मैं शूट करती हूँ। यहाँ पर इस साइड पे मैं फ़ोन रखती हूँ और यहाँ मैं शूट करती हूँ, नहीं तो उस साइड मैं फ़ोन रखती हूँ, इस साइड पे मैं शूट करती हूँ, ऐसा होता है। तो चलो चलते हैं। जैसे कि बांग्लादेश बॉर्डर फिर इंडिया बॉर्डर वैसा ही है। तो ये है ONGC दूसरे साइड और यहाँ पर हमारा, मैं जहाँ रहती हूँ रूम रेंट, और इस साइड पे है आर्मी कैंप, उस साइड पे है आर्मी कैंप। जस्ट मैंने कपड़ा सुखाया और देखिए बारिश आने को है, तो मैं भाग रही हूँ। देखिए से ढल चुका है, अभी बारिश देने वाला है। कपड़े उठा लेती हूँ। ये तो भाई थोड़ा सूख गया। बंदर मंकी, पत्थर दो
देखिए यहाँ बंदरों का आना जाना तो रहता है, मैं यहाँ पर पत्थर मार मार के उन लोगों को डरा रही थी, बंदरों को। ये मैं बचपन में किया करती थी, तो स्कूल से भी काफ़ी कंप्लेन आते थे कि आपकी जो बच्ची है वो बंदरों को खाली भगाती रहती है। तो ये मेरा एक पेशा बन चुका था। यहाँ हमारे ऑनर ने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के गार्डन्स लगाए हुए हैं, जिस वजह से बंदरों का आना जाना रहता है। आते ही वो पूरा तहस नहस करके जाते हैं। बापा रुक जा, चुचुचु करवा उन जा, कर गो उन जा। बारे बंदर मामा पहन पजामा। ओए तो देखो कैसे पढ़ाई कर रहा है। वाव सुनो, एफ आर वेरी गुड फिश। जी फॉर ग्रेप्स, अरे ग्रेप्स, वेरी गुड। जी चलो फिर से करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं। इसके अंदर डालो, ये सब डालो। बोरा चला करो बोरा। वेरी गुड। ओय जुदे जुद, वेरी गुड। प्रणाम कर रहे हो आप प्रणाम कर रहे हो। जोय जो मौसम आप देख सकते हो कैसा हो गया है, बहुत ज्यादा बारिश दिया, अब जाके थोड़ा कम हुआ है। यू कैन सी द वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस क्या है कि अभी ना मतलब ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मैं क्या बताऊं। एकदम से बहुत ज़्यादा काम की वजह से भी होता है, और एक तो बहुत ज़्यादा थकान फील होता है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं। अगर मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ, अगर ज़्यादा भी काम करूँ थक जाती हूँ, क्योंकि अभी बॉडी को एकदम रेस्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मैं ब्लॉग भी रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ब्लॉग तो मैं इजीली शूट कर लेती हूँ, लेकिन क्या है कि वॉइस ओवर देना फिर एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। और अभी मैं एक घर से दूसरे घर जाकर शूट करूँ फिर एडिटिंग करूँ, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ पर भी मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाती हूँ, मतलब अपने रूम पर भी मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाती हूँ, मम्मा के रूम पर ज़्यादा रहती हूँ। तो क्या भी मैं शूट करूँ। आरब को देखो, मेरा जो इयररिंग्स है उसको लगा कर क्या जो कर रहा है, डांस कर रहा है सर में लगा कर। आरब अब क्या कर लिया हो? कुशन भी सिलना भी हुआ नहीं है, बस और दो बाकी है जो कि मुझे सिलने हैं, बाकी तो हो गए हैं, बाकी दो तीन मैंने सिलाई कर लिए है। इतना मतलब तीन दिन से इतना हेडेक हो रहा है, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, मैं क्या बताऊं। और ये आलसी तो है नहीं, मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ, क्योंकि 24 आवर्स मैं काम ही करती हूँ। यहाँ पर भी काम करना होता है, अपने रूम पर भी काम करना पड़ता है, मम्मा के वहाँ पर भी काम रहता है। आरब को लेकर तो मैं क्या बताऊँ, बहुत शैतानियाँ करता है। एक तो ये अकेले रहते रहते बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका है, तो पता नहीं मैं इसे कैसे जो कंट्रोल करूँगी। मम्मा तक कंट्रोल नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि ये एक जगह पर रहता नहीं है, और अगर हम घर का अगर डोर खोले तो वो फट से भागकर चला जाता है। एक जगह पर रहता नहीं है, बैठो यहाँ मत जाओ बिल्कुल भी नहीं सुनता, बस अपने ही करता है ये। देखो अभी भी देखो मुझे किससे मार रहा है, अगर हम कुछ बोले तो ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका है। पता नहीं कैसे जो हुआ, रूम पर रहने की वजह से हुआ है या मेरे वजह से हो सकता है, क्योंकि कि मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, सिर्फ अपने ब्लॉग्स शॉर्ट्स ये सब अपलोड करने में। कैसे मुझे अपने ब्लॉग्स को एडिटिंग करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे वॉइस ओवर करना है, बस मेरा इसी में दिन चला जाता है, और घर के काम में। तो मैं अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ मतलब
अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही कि अपना जो चैनल है वो मैं बंद कर दूं। अब बहुत हो गया, क्योंकि अभी 3 इयर्स, शायद से 3 इयर्स होने को है अभी, लाइक मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बस एक ही जगह पर आकर अटके हुए हैं। नो अरब, अरब नो। इतना मतलब मेहनत करके ब्लॉग अपलोड करती हूँ, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है आई थॉट, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अपने चैनल को बंद कर देती हूँ, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि अगर मेरे ब्लॉग्स करने पर मेरा थोड़ा इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग मुझे पहचानेंगे, तो मेरे हस्बैंड का भी हेल्प हो जाएगा। लाइक मेरे हस्बैंड की भी काफ़ी सारे ड्रीम्स है, वो मैं पूरा करूँगी। ऐसा नहीं है कि हम पूरा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ वो मैं करूँ। वो उनका तो है, वो कर देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ, जैसे हर कोई चाहता है पैसा कमाना, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, मेरा भी यही मोटिव है कि यूट्यूब ब्लॉग्स करके मैं पैसा कमाऊँ, फेमस हो। लेकिन अब तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस चैनल को ही बंद कर दूँ, तो यही बात है। तो अभी शाम हो चुका है, तो और क्या भी बोलूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करने लगी हूँ। अभी मुझे कोई भी कुछ किसी भी कमेंट्स से मोटिवेशन नहीं मिलता है। 3 साल के मेहनत के बावजूद भी मेरा अभी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है, ना ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, बस एक ही जगह पर आकर अटका हुआ है। तो अभी मैं इतना मेहनत करके क्या भी करूँ जब मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि आपका 7K सब्सक्राइबर हो चुका है, तो लेकिन 7K सब्सक्राइबर से क्या होता है, लोग पता है आपको कब जानना शुरू करते हैं। ऐसे है कि आपके कुछ कुछ सब्सक्राइबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन लोग आपको कब जानना शुरू करते हैं, जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, तब जाकर लोग आपको पहचानते हैं और आपका अच्छा खासा इनकम आपके यूट्यूब चैनल से आपको होता है। तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि फालतू में इतना साल तूने वेस्ट किया है, वो अगर अपने बेटे पर तू लगाती तो आज मेरा बेटा 2 साल का हो चुका है, अभी तक वो बात नहीं कर पा रहा है, तो उसी के लिए कितना जो टेंशन है मेरा कि उसका स्पीच इतना डिले क्यों हो रहा है, वो क्यों बात नहीं कर पा रहा है। बस थोड़ा बहुत ही वो बोल पाता है, लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल पाता है। कि 2 साल के बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि बहुत जल्दी लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा जो बच्चा है अभी तक बात नहीं कर रहा है। फिर मेरे लापरवाही के वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स ये सब लेकर, चैनल यूट्यूब चैनल लेकर ही बैठी हुई हूँ, काम ब्लॉग्स ये सब लेकर ही बैठी हुई हूँ, मैं अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अपना चैनल मैं बंद कर दूँ, सोच रही हूँ कि मैं अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान दूँ, मुझे अपने बेटे पे ही फोकस करना है। हर एक मंथ पे जब सैलरी आता है तब मैं एक लिस्ट बनाती हूँ ग्रोसरी सामान लाने का, तो उसी के लिए मैं लिस्ट बना रही थी कि मुझे क्या क्या लेकर आना है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं मम्मा से पूछ कर लिख रही हूँ, और इतना क्वांटिटी घर के लिए चाहिए एक मंथ के लिए, तो वही मैं पूछ कर एक लिस्ट बना रही हूँ। अभी तो मैं ही राशन का सामान लेने जाती हूँ, क्योंकि मम्मा के हाथों में प्रॉब्लम है जिस वजह से वो नहीं जाती है। जो भी हो, जब हम क्वार्टर में थे तो हस्बैंड ही करते थे, और बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैं करती थी, तो हम मिल बांट के कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मम्मा को मैं करने नहीं देती हूँ, क्योंकि भारी काम जो है वो डॉक्टर ने मना किया है करने के लिए। उन्हें लोग जो भी बोले कि बहू घर से चली गई है और अपनी मम्मा के साथ आकर रह रही है, मुझे इस टाइम पे लोगों की बात नहीं सुननी है। अभी बस मुझे अपने बच्चे और मम्मा पे फोकस करना है, क्योंकि उनको संभालने के लिए अभी कोई है नहीं, तो उनकी बेटी पास में है, तो क्यों मैं अपनी मम्मा को ना देखूं। मज़ा आ रहा है, अनुष्का रानी मेरा हेयर में लगा कर दे रही है, और आप को देखो मुझे ऐसे देख घूरते हुए। अनुष्का जी उन्होंने लाए थे। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद जाकर मैंने अपना हेयर ऑयलिंग किया है।
बाप रे मैं क्या बताऊं। एक्चुअली मैंने केयर स्मूथनिंग करवाया था जिस वजह से मैं अपने हेयर में ऑयल नहीं दे पा रही थी, तो आज मेरा सर इतना मुझे मुझे इतना हेडेक हो रहा है ना, जिस वजह से मैंने अपना हेयर ऑयलिंग कर लिया सीरियसली। वो आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय गाइस।